नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू द श्रेयास एंटरटेनमेंट बॉक्स। आप सभी मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक मेंशनड है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब आते हैं आज के वीडियो पर। आज हम बात करेंगे डार्क के सीजन 1 के एपिसोड 4 के बारे में। अगर आपने पिछले एपिसोड्स नहीं देखे तो पहले उसे देख लें, प्लेलिस्ट की लिंक ऊपर कार्ड में मिल जाएगी। इस एपिसोड के शुरुआत में हमें बताया जाता है ब्लैक होल के बारे में। अगर उसमें कोई चीज़ जाती है तो कभी वापस नहीं आ पाती है, और ब्लैक होल हमें कहीं और पहुंचा सकता है, समझ लीजिए एक दूसरी दुनिया में। जोनस अब भी अपने पिता के बनाए हुए मैप को देख रहा है, जिस पर लिखा हुआ है वेयर इज़ द क्रॉसिंग, यानी कि क्रॉसिंग कहाँ है। डॉपलर्स के घर पर देखते हैं पीटर और शार्लेट को अलग अलग कमरों से बाहर आते हुए। इसका मतलब ये है कि उन दोनों के बीच कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, और पीटर को शायद लड़के ज़्यादा पसंद आने लगे थे, जिस बारे में शार्लेट जानती थी। फ्रांसिस का डॉपलर काफ़ी गुस्से में है क्योंकि उसकी लिपस्टिक नहीं मिल रही है, और उसका इल्ज़ाम वो अपनी छोटी बहन एलिजाबेथ पर लगाती है, जो ना बोल पाती है ना सुन पाती है। शार्लेट एलिजाबेथ को खुद स्कूल छोड़ने जाती हैं क्योंकि विंडन शहर में पहले ही कुछ बच्चे गायब हो चुके थे। रास्ते में शार्लेट एक जगह रुककर एक सीसीटीवी कैमरा का चिप चुरा लेती हैं अपनी इन्वेस्टिगेशन के लिए, पर उनकी छोटी सी बच्ची एलिजाबेथ कहती है चोरी करना बुरी बात है। स्कूल में एलिजाबेथ एक बच्चे को लगातार देखती है और पूछने पर कहती है वो यासिन है, मेरा बॉयफ्रेंड। शार्लेट इस बात को सुनकर हंसती हैं और पुलिस स्टेशन की तरफ निकल जाती हैं। विंडन शहर में कई सारे पक्षी मर जाते हैं और उनकी ऑटोप्सी की जाती है। पता चलता है कि उन पक्षियों पे किसी तरह के वाइट स्पॉट्स हैं, जो शायद रेडिएशन का असर हो सकता है, और उनके भी एयर ड्रम्स फट चुके थे किसी तरह के प्रेशर पड़ने पर। पुलिस स्टेशन में शार्लेट को बताया जाता है कि जंगल से मिले उस बच्चे के बारे में अभी तक पता नहीं चल पाया है। शार्लेट कहती है पिछले 15 साल में जितने बच्चे गायब हुए हैं उनकी मिसिंग रिपोर्ट्स निकाली जाए और शहर के हर एक कोने को खंगाला जाए। फिर शार्लेट चुराए हुए चिप से उस दिन का फुटेज चेक करती हैं जिस दिन मिकल गायब हुआ था। फुटेज में उन्हें अपने हस्बैंड पीटर कार में कहीं जाते हुए दिखते हैं, और शार्लेट पीटर को कॉल करके पूछती हैं जिस दिन मिकल गायब हुआ था तब वो उन्हें कुछ बताना चाह रहे थे पर कुछ बताया नहीं, क्या बात थी। उस पर पीटर कहते हैं कोई खास बात नहीं थी, पर शार्लेट को अपने हस्बैंड पर शक हो रहा था। मैग्नस को फ्रांसिस्का का बिहेवियर कुछ अजीब लगता है और वो उसका पीछा करता है। फ्रांसिस्का जंगल में चली जाती है और एक मिट्टी के नीचे से एक डब्बे को निकालकर एक पैकेट अपने पास रख लेती है। मैग्नस फ्रांसिस्का से पूछता है कि वो जंगल में पैसे क्यों छुपा रही है। फ्रांसिस्का कहती है उसके पापा आदमियों को पसंद करते हैं, और ये बात शार्लेट जानते हुए भी साथ रह रही हैं। उन दोनों के बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा है, और इसलिए विंडन से बाहर निकलने के लिए फ्रांसिस्का पैसे बचा रही थी। मैग्नस उसकी बात सुनकर इमोशनल हो जाता है और दोनों काफ़ी क्लोज आ जाते हैं। दूसरी तरफ जोनस मैप लेकर विंडन की गुफा के पास चला जाता है, और फिर से हम हुडी वाले अजनबी को देखते हैं जो जोनस पर नज़र रखे हुए था। जोनस को गुफा के अंदर कुछ खास नहीं मिलता है, जिसकी वजह से वो जल्द ही घर वापस चला जाता है। जब जोनस सो रहा था तब वही अजनबी उसके कमरे में आता है और मैप पर कुछ क्लू लिखकर वहां से चला जाता है। शार्लेट जंगल में एक कैबिन की तरफ जाती है जिसे डॉपलर्स बहुत सालों से संभाल कर रखे थे। शार्लेट को वहाँ लाल रंग की मिट्टी भी मिलती है, जो फिलहाल विंडन शहर में कहीं नहीं थी, और एक बंकर के पास चली जाती हैं, पर अंदर जाने के बाद उन्हें कुछ अजीब सा महसूस होता है। शार्लेट फिर अपने हस्बैंड पीटर को कॉल करती हैं और कहती हैं एलिजाबेथ को स्कूल से लेकर आने के लिए, क्योंकि वो उस वक्त काफ़ी बिजी थी। अल्रिक ने विंडन न्यूक्लियर पावर प्लांट में घुसने की कोशिश की थी मगर पकड़ा गया था। शार्लेट उसे लेने जाती है मगर उस समय अल्रिक बहुत ज़्यादा गुस्से में था और कहता है उसका बेटा गायब हुआ है और इस बात से किसी को फर्क नहीं पड़ता है। एलिजाबेथ की स्कूल की छुट्टी हो चुकी है और हमें पता चलता है फ्रांसिस्का की लिपस्टिक एलिजाबेथ ने ही चुराई थी। बच्ची है, बदमाशी तो करेगी ही। खैर, काफ़ी देर तक जब एलिजाबेथ के पेरेंट्स उसे लेने नहीं आते हैं तब वो अकेली ही स्कूल से चलते हुए निकल जाती है बारिश में।
पीटर स्कूल पहुंचता है और उसे पता चलता है एलिजाबेथ वहां नहीं है और काफ़ी परेशान हो जाता है और शार्लेट को तुरंत कॉल करके बता देता है। पुलिस एलिजाबेथ को ढूंढ ही रही थी तब उन्हें एलिजाबेथ तो नहीं मिलती लेकिन हेल्गे डॉपलर मिल जाते हैं जो हमेशा की तरह ओल्ड एज होम से भागकर निकल गए थे। देर रात हो चुकी थी और एलिजाबेथ खुद घर वापस आ जाती है। पूछताछ करने पर एलिजाबेथ का कहना था वो चलकर घर वापस आ रही थी और उसे रास्ते में एक अनजान आदमी मिला था जिसका नाम था नोआ। नोआ ने एक वॉच दिया था जो शार्लेट की ही थी और कई साल पहले गुम हो चुकी थी। नोआ कौन है, कहां से आया है, इस बारे में अभी कुछ बताया नहीं गया है। हम हेल्गे डॉपलर को फिर से देखते हैं जो डॉक्टर से किसी नोआ को रोकने की बात कर रहे थे और एपिसोड के आखिर में देखते हैं यासिन को जो अकेले ही जंगल से होते हुए स्कूल की तरफ जा रहा था। उसके सामने एक हुडी पहने हुए अजनबी आता है और कहता है क्या तुम यासिन हो, मुझे नोआ ने भेजा है। और आज का एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हम फिर मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। बाय बाय।